हे दोस्तों, यहाँ पर Realme X3 Pro के कुछ लाइव इमेजेस और लीक्स वगैरह आ चुके हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर Realme X3 Pro में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगा और इसका प्राइस इंडिया में कितना हो सकता है। तो सबसे पहले इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस बार आपको एकदम अलग डिजाइन Realme की तरफ से इस फोन में देखने को मिलेगा। यानी कि पहले में जैसे आपको Realme की तरफ से हर एक फोन में वही सेम डिजाइन देखने को मिलता है, यानी कि जो कैमरा अलाइनमेंट है ये आपको सेम देखने को मिलेगा हर एक Realme के स्मार्टफोन में, लेकिन इस बार Realme X3 Pro में आपको थोड़ा सा अलग डिजाइन मिलेगा। ठीक जैसे आपको Vivo के V19 Pro में या फिर जो स्क्वायरी शेप देखने को मिल जाता है कैमरे में, वही डिजाइन आपको इस बार Realme X3 Pro में देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ यहां पर आपको फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस भी इस फोन में मिल जाएगा। यानी कि यहां पर आपको Snapdragon 865 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा और वो भी 5G के सपोर्ट के साथ। जी हां, ये जो फोन है 5G के सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और इस फोन में फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलने का एक ही कारण है क्योंकि आपको पता होगा इसका जो पिछला वेरिएंट था Realme X2 Pro उसके अंदर आपको Snapdragon 855 Plus वाला प्रोसेसर देखने को मिला था, जो उस टाइम का सबसे पावरफुल और फ्लैगशिप प्रोसेसर हुआ करता था। और अभी के लिए Realme X3 Pro में आपको Snapdragon 865 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो एकदम लेटेस्ट और पावरफुल प्रोसेसर है। और इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहां पर आपको 6.5 इंच का फुल HD Plus AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और साथ में यहां पर आपको एक साइड में पंच होल देखने को मिलेगा फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए। और यहाँ पर ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि इसमें आपको कितना अच्छा रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें आपको 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। और इसके कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे चार कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, सेकंड में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, थर्ड में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और फोर्थ में आपको 2 मेगापिक्सल या फिर 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल सकता है। और फ्रंट कैमरा अभी तक कंफर्म नहीं है, तो हमें लगता है कि शायद इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है और वो भी पंच होल के साथ। और अभी हम बात करेंगे इसके बैटरी के बारे में, तो अभी लीक्स के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर आपको 4500 mAh का बिग बैटरी देखने को मिल सकता है, तो शायद ये सच होगा। और साथ में यहां पर आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये जो फोन है एकदम पावर पैक फोन होने वाला है प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि आपको पता होगा इसका जो पिछला वेरिएंट था Realme X2 Pro जिसके अंदर आपको फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ यहां पर आने वाला जो Realme X3 Pro होगा इसमें भी आपको लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। तो अभी अगर हम इसके प्राइसिंग को गेस करें कि ये कितने प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च हो सकता है, तो हमें लगता है कि ये फोन आपको 35,000 के आसपास इंडिया में देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली अभी इंडिया में टैक्स इंक्रीज हुआ है, सो हमें लगता है इसका प्राइस 35 के आसपास ही होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये फोन कितना प्राइस में लॉन्च करता है इंडिया में, आगे चल के मैं आपको इसके बारे में अपडेट जरूर कर दूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये फोन किस प्राइस रेंज में लॉन्च होना चाहिए, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।